बहुत टाइम से सोच रहा था ये लेने का, तो आज फाइनली हो गया है। तो आपको आज पूरी वीडियो देखनी है, तो जो हमने प्रोडक्ट लिया ना उसकी अनबॉक्सिंग भी मैं आपको करके बताऊंगा। सरप्राइज देने वाला हूँ मैं, खुद सरप्राइज होने वाला हूँ। मैं ना अभी एक शॉपिंग करने जा रहा था, वो भी एप्पल प्रोडक्ट बोल सकते हैं, कुछ बड़े टाइम से सोच रहा था लेने का, तो आपको लेके चलता हूँ। घर से निकले हैं तो बारिश शुरू हो गई है जम्मू में, तो और मौसम बहुत प्यारा मौसम हुआ है जम्मू का। तो हम लोग आई कंसेप्ट आ गए गांधीनगर, तो सोचा भाई यहाँ जाके एक बारी प्राइस चेक कर लेते हैं कि यहाँ बेटर है या और कहीं एप्पल स्टोर में जाके बेटर है। अभी तो हम सारे प्राइस चेक कर रहे हैं कि हमें क्या लेना है, और अभी आपको आगे जाके बताऊंगा मैं क्या लेने वाला हूँ। अभी तो मैं सारे प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ और देख रहा हूँ भाई कौन से प्रोडक्ट्स आजकल एप्पल में नए नए अपडेट आ गए हैं, तो चेक तो करना चाहिए ना। तो हमने बोला भाई यार आईपैड भी आ गया हुआ है, वाह यार नाइस। उसके साथ अगर पेंसिल की बात की जाए, आईपैड के आपको पेंसिल भी मिल जाएगी, अगर आप स्केचिंग करते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप आईपैड भी ले सकते हैं। उसके साथ मैकबुक भी आ गई हैं भाई, मैकबुक एयर भी आ गया, और प्राइस भी, अगर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर आप वीडियो एडिट करते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है मैकबुक एयर ले सकते हैं। तो भाई यहाँ केसेस भी मिल जाएंगे आपको, अगर आपको आईपैड के लिए लेने हैं तो पेंसिल के लिए भी आपको केसेस मिल जाएंगे, सब कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ। तो भाई देखिए पेंसिल, एक ये सस्ती वाली पेंसिल थी, मतलब कि थोड़ी सी कम रेट में मिल रही है, बट एक और पेंसिल यहाँ मिल रही है वो ज़्यादा बेटर है। तो भाई देखिए हेडफोन स्पीकर सब कुछ मिल जाएंगे आपको यहाँ। तो भाई अगर एयरपॉड्स की बात की जाए, एयरपॉड्स जो है जैसे इन्होंने डिस्प्ले किए हुए थे ना, वो बड़ी अच्छे लग रहे थे। देखो एयरपॉड्स तीनों अलग अलग एयरपॉड्स हैं और कैसे डिस्प्ले किए हुए हैं। एप्पल वॉच लेनी है वो भी ऑप्शन है। तो भाई मैंने तो बिल करा लिया, जो मैं लेने वाला हूँ तो आपको मैं बताता हूँ, वो मैं लेने वाला हूँ ये अपने हैंड्स में आएगा, वो है आईपैड ब्रो। अब आईपैड आने वाला, आईपैड एयर लिया मैंने। तो बहुत टाइम से मैं सोच रहा हूँ व्लॉग्स एडिट करने के लिए मुझे कुछ अच्छा सा चाहिए था, तो मैंने बोला यार सार्थक चलो अब शूट करते हैं। ये फाइनली आईपैड अपने हाथ में आ गया है, तो अब ओपन करते हैं अनबॉक्सिंग। भैया बोलते हैं अनबॉक्सिंग आप करो, तो मैंने बोला ठीक है जी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। बड़ी आराम से खोल के आपको मैं बताऊँगा कि भाई फाइनली हमारे हाथ में आ चुका है आईपैड। एप्पल सीरीज़ का एक और चीज़ मैंने प्रोडक्ट ले लिया है, तो मैंने बोला आपको अनबॉक्सिंग भी करके बतानी चाहिए कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, और फन था। मैं तो बोलता हूँ भाई अगर आप भी क्रिएटिव बंदे हैं, स्केचेस करते हैं, एडिटिंग करते हैं, क्रिएटिव फील्ड में कुछ भी करते हैं, तो आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो इजी टू यूज़, ट्रैवल फ्रेंडली, कि आप कहीं भी जाके यूज़ कर सकें। तो देखो भाई अभी और पेंसिल चल रही है, देख रहे हो कितना बढ़िया पेंसिल इसके साथ जो मिल रही है ना, और अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने कलर लिया हुआ है ब्लू, आप बताइए कैसा लग रहा है। और अभी केस भी मुझे मंगाना है, वो भी थोड़े टाइम तक केस आ जाएगा। तो फाइनली हम तो हमारा आई कंसेप्ट का काम ख़त्म हुआ, अब हम चलते हैं घर। तो ये मेरा प्रोडक्ट आ गया, तो मैंने ले लिया भाई साहब। और अगर इसके प्राइस की बात की जाए, आप मुझे DM करना, मैं आपको DM में बताऊंगा क्या प्राइस है। टाइम से मन तो था यार आईपैड लेना है, और मैंने अभी जो आईपैड लिया मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने 256 लिया है और M1 लिया, उससे क्या होगा मुझे पेंटिंग्स का भी फन है, मैं पेंटिंग्स करता हूँ, तो मैं वो उस पर स्केचिंग कर लूँगा, और उसके साथ जो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, मेरा मन था कि एक बड़ी स्क्रीन हो जाए एडिट के लिए, फिर लैपटॉप तो मैं दूसरे चैनल के लिए करता हूँ, तो मैंने सोचा व्लॉग्स के लिए कुछ बड़ी स्क्रीन वाला कुछ तो होना चाहिए, तो मैंने आईपैड यही एडिटिंग के लिए M1 तभी प्रोसेसर लिया कि कुछ फास्ट एडिटिंग हो जाएगी, 4K वीडियोस भी एडिट हो जाएंगी। तो यार भाई मैं तो सजेस्ट करता हूँ, अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं तो कोशिश करें, आस्ता आस्ता अपग्रेड करेंगे ना तो कॉन्टेंट भी इम्प्रूव होता है आपका। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो अभी गाड़ी ठीक करने के लिए एक गाड़ी आ चुकी है, रिकवरी वैन। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, मुझे लगता है बैटरी खराब हुई हुई है। दूसरी बार हुआ है, बैटरी भी छोटी है ना इसके इंजन के हिसाब से, बैटरी का इशू भी हो सकता है, बैटरी खराब भी हो सकती है। गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है, बैटरी का इशू था, बैटरी का ही पंगा था, अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब तो यानी रिकवरी तो कर दी हमारी, गाड़ी तो ठीक हो गई है, वेट कर रहे हैं कि गाड़ी थोड़ी सी चार्ज हो जाए, वरना गाड़ी यहीं बंद हो जाएगी। तो आईपैड तो आ गया था भाई गार्ड लगाने के लिए, हमने ऑनलाइन अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, तो अभी गार्ड लगने वाला है हमारा। लिक्विड होता है लगता है, यही चिपकाता होगा। पहले तो आईपैड क्लीन हो रहा है क्योंकि मैंने बिना गार्ड के यूज करना शुरू कर दिया था। तो कोई भी डस्ट होगी इससे उतर जाएगी, तो स्टिकर भी मिलता है साथ। और वीडियोस के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन दबा देना।